जागते रहो। एक ने पंक्ति भेजी, कहता है परमात्मा व्याख्या करो एक पंक्ति की। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इस पंक्ति की। शायद ये प्रदीप का भजन है, शायद, हो सकता है ना हो, लेकिन ये जिन्होंने भी भजन गीत लिखे कोई बोधवान ही रहे होंगे, लेकिन तुमने ये सोच के सुन लिए कि वो तो गायक है, उसका तो बिजनेस है। तुमने ये सोच के सुन लिए कि उसको कहां से बोध। जैसे अभी फिल्म आई पीके, ओएमजी, सही ज्ञान था, लेकिन तुमने सोचा ये तो फिल्म बनाने वाले हैं, ये सब तो एंटी हिंदू धारणाओं के तहत एक सोची समझी साजिश के तहत कार्य कर रहे हैं, तो तुम ज्ञान से चूक गए। सही ज्ञान था। तुम चाहते क्या हो, ज्ञानवान होना, बोधवान होना, प्रज्ञावान होना, या हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना, ईसाई होना। दोनों धार्मिकता में और हिंदू मुस्लिम होने में जमीन आसमान का अंतर है। धार्मिकता पालोगे तो सुखी हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, नित्य घटित हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति को पालोगे। हां, मोक्ष मुक्ति, मूर्खता की बातें मत सोचना कि यहां से मरोगे तब मुक्त हो जाओगे, तब मोक्ष को जाओगे। नहीं, इसी संसार में है मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार, निर्वाण अवस्था। तुम्हें क्या लगता है, बुद्ध, महावीर मुक्त हुए मरने के बाद, मोक्ष गए? नहीं, मैं कहता हूं कहीं नहीं गए, वो जीते जी मुक्त थे। नानक इस दुनिया से जाने के बाद क्या स्वर्ग गए? नहीं, वो यहीं स्वर्ग में थे। जरा उनके चेहरे की मस्ती देखो, चेहरे की आभा देखो, वो आनंद झरझर झलकता है। कबीर ने अपने आचरण से तुम्हें उपदेश दिया। मृत्यु के क्षण में कबीर बोलते हैं, मुझे मगर ले चलो, जहां के बारे में प्रसिद्ध है कि यहां मरने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनता है। तुम समझ ही नहीं पाए, कबीर का उपदेश था कि मैं यहीं स्वर्ग में था और किसी स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है। मोक्ष का द्वार यही है, लेकिन तब मिलेगा जब इस संसार से ऊपर उठोगे, इस संसार को पार करोगे। पार करने का मतलब हवाई जहाज से निकल के इस संसार से कहीं दूसरे ग्रह पर नहीं जाना, जो तुम्हारी सारी किताबें बोलती हैं, तुम्हारे सारे धर्म गुरु बोलते हैं कि यहां से मरोगे, विमान आएगा, तुम्हें लेके जाएगा। विमान किसे लेके जाएगा? जो विमान में बैठने लायक था पंचभौतिक देह, उसको तो तुम यहीं जला रहे हो, फिर किसे लेके जाएगा? और जो आध्यात्मिक देह है, जिसको कबीर बोल गए हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, वो हंस कोई पक्षी नहीं है तुम्हारे भीतर, वो हंस तुम्हारे शुद्ध आत्मा का नाम है, वो जिसपे तो दाग आज तक लगा ही नहीं, जिसपे दाग लग ही नहीं सकता है, वो पुनः उसी विराट में विलीन हो जाएगी, उड़ जाएगा,
जहां से आया वहीं चले जाएगा। कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। लेकिन ये बोध समझोगे कैसे? ये तभी समझ आएगा जब इस दुनिया के गोरख धंधों से बाहर निकलोगे, इस दुनिया की चाह छोड़ोगे। और खाली धन की चाह नहीं, खाली पद की चाह नहीं, खाली हीरे मोती इनकी चाह नहीं, तुम्हारे हिंदू होने की चाह, तुम्हारे मुस्लिम होने की चाह, तुम्हारे सिख ईसाई बौद्ध जैन होने की चाह, स्वर्ग की चाह, वैकुंठ की चाह, जन्नत की चाह, निर्वाण पद की चाह, इन सब चाह को छोड़ोगे। लेकिन अब चाह छोड़ने भी मत लग जाना, तुम्हारे हाथ में ढेर सारे कंकड़ पत्थर है। मैं कहता हूं व्यर्थ है, तुम संभाले हो, नहीं व्यर्थ नहीं है। जिस दिन स्वयं को देखोगे, जिस दिन असली हीरा समझ आएगा, जिस दिन असली हीरा तुम्हारे हाथ में आएगा, फिर ये कंकड़ पत्थर तो तुम वैसे ही फेंक दोगे। ये छोड़ने का मतलब, मैं इनके त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोध की बात कर रहा हूं, स्वयं के अंदर छिपे हीरे को पहचानना। जैसे ही उस हीरे को पहचानोगे, ये कंकड़ पत्थर अपने आप हाथ से छिटक जाएंगे। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें सिखा क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि धन छोड़ो, पद छोड़ो, प्रतिष्ठा छोड़ो। कहने को भाषा में तो यही बोला जाएगा, धन पद प्रतिष्ठा मान छोड़ो। लेकिन छूटता नहीं है, छूटता तब है जब असली हीरा हाथ में आ जाए, जब तुम स्वयं को पहचान जाओ। वो जो हिंदू का शब्द है ना, अहम ब्रह्मास्मि, पूरा पूरा ठीक है। वो जो वो शब्द है ना, दासो हम, पूरा पूरा मूर्खतापूर्ण है। दासो हम, तुम दास हो तो कोई मालिक भी होगा। जब तुम दास हो तो मालिक तो होगा ना। और जो मालिक है वो कहीं दूर बैठा होगा, तुम्हारे सामने तो है नहीं। यानी तुमने द्वैत भाव रख लिया, दो के भाव कर लिया, और जहां दो हुआ वहां विक्षिप्तता हुई। दो में हमेशा ही विक्षिप्तता होगी, दो में हमेशा ही द्वंद होगा, क्योंकि एक दूसरे को पाने की चाह रखेगा। नहीं, एक भाव वो ज्यादा उत्तम है। दो होगी तो दो के कारण ही तो तुम्हारी प्रार्थनाएं जन्मी। तन मन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और फिर मांग लिया, मुझे धन दे, संपत्ति दे, दो का भाव हुआ ना। भीतर के तत्व को जानना है, भीतर के तत्व को जानते ही राग द्वेष मोह ये अपने आप छूट जाएंगे। इनको भरने से नहीं छूटेंगे कि तुम भर लो, एक मकान है दस हो जाएगा तो शक्ति छूट जाएगी। नहीं, एक व्यक्ति के पास दुनिया भर की रोटियां इकट्ठी कर दो, खाना पीना दाल सब्जी, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी जो भूख की जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। वास्तव में तो इस संसार में कुछ भी छोड़ने लायक है ही नहीं, केवल समझने लायक है। मकान मकान है, तुम्हें उसकी आवश्यकता है, कहां अपने बीवी बच्चों को रखोगे? बस समझ गए तो मकान की कोई आसक्ति नहीं है। गाड़ी गाड़ी है, कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, बैठना है तो खरीदनी पड़ेगी, खरीदनी है तो धन कमाना पड़ेगा। बस समझ गए तो कोई आसक्ति नहीं।
लेकिन ये सब समझेगा कौन जो इस संसार को भोग के पार निकल जाएगा। इस संसार में हर वस्तु को लेकर भी आसक्ति नहीं पालेगा। और जो बेचारा ब्रेड बटर में लगा हुआ है अभी तक, उसे क्या समझ आएंगी मेरी बातें। वो तो किसी ना किसी मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे में हाथ फैलाए खड़ा होगा भिखारी की भांति, यहां से ये मिल जाए यहां से ये मिल जाए। लेकिन अगर ऐसे मिलता तो हिंदुस्तान कब का अमीर हो गया होता। तुम सभी तो लगे रहते हो मंदिरों में मस्जिदों में गिरजे गुरुद्वारों में, करने क्या जाते हो? कोई प्रेम तो तुम्हें है नहीं परमात्मा से। जिसको प्रेम होता है, मजनू को तो चारों दिशा में लैला लैला ही दिखती थी। जिसको प्रेम होता है उसे तो ईश्वर कहीं भी दिख जाता है। और जिसे भीख मांगनी हो उसे आंखों से देखना पड़ता है, जैसे तुम देखते हो अपने अपने धर्म स्थलों में जाके। जिसे उस अस्तित्व से, उस प्रकृति से, उस विराट से प्रेम हो गया, वो तो कहता है जिधर देखूं तू ही तू है, और कुछ है ही नहीं। मेरा कार्य केवल तुम्हारी आंखें खुलवा के जगाना मात्र है। मैं तुम्हें शास्त्रों की कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं। वो सुन सुन के तो तुम जाग गए। तुम्हारा जागरण हो गया होता, हो सकता होता तो हो गया होता, आज तक तो हुआ नहीं। आज तक तो तुम हिंदू मुस्लिम बने रह गए, सिख ईसाई बने रह गए, बौद्ध जैन बने रह गए, लेकिन बुद्धत्व को तो उपलब्ध नहीं हुए, प्रज्ञा को तो उपलब्ध नहीं हुए। वो नित्य तो नहीं घटा तुम्हारे भीतर, जागरण तो नहीं उपजा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Thank you.